हे व्हाट्सअप गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल्सो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बस यार, काफ़ी दिनों बाद जो है व्लॉग आ रहा है, एंड बस आप सभी से एक ही चीज़ की उम्मीद है, वो है वीडियो को लाइक। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। तो खैर गाइस, मैं सच बताऊँ ना, मेरा गाइस अभी कुछ भी मतलब मेरा कोई भी प्लान्स नहीं रहता। मतलब लाइक हम लोग पहले प्लान करते कि अभी यार अभी यहाँ जाने का प्लान करते, एंड फिर मैं व्लॉग के अंदर बताऊं कि हम लोग अभी जा रहे हैं, लेकिन मेरा ऐसा कुछ भी प्लान नहीं होता। अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया एंड पूरे दिन के हिसाब से हमारा कोई प्लान बनेगा तो हम लोग वो प्लान के ऊपर चलते हैं। तो बस अभी थोड़ा बहुत शॉप का ही काम था जो हो चुका है, एंड बस अभी शॉप पर ही है। एंड यहाँ पर जो है मैं आप सभी को आई थिंक एक चीज़ नहीं दिखाई, वो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, मैं जो है लास्ट कॉर्नर साइड पर हूँ। एंड यहाँ पर जो है सीन हो गया था, जो यहाँ पर पतरा था वो टूट के पूरा गिर गया था। मैंने उसकी एक शॉर्ट वीडियोज़ भी बनाई थी एंड मैंने वो वीडियो डाली नहीं, मैंने इंस्टाग्राम पे डाली थी पर व्लॉग यूट्यूब पे नहीं डाली। तो अभी कुछ विरार साइड जाना है तो ट्रेन में चलते हैं, वही यार सिंपल व्लॉग ही आएंगे। एंड आज है संडे एंड कल है मंडे, कल है 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे है, तो कल है इंडिपेंडेंस डे। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। खैर कल 15 अगस्त है एंड कल के दिन हमारा, मतलब कल के दिन ही नहीं, 1947 में हुआ था कल के दिन वॉर हुआ था एंड उसमें हमारा देश हुआ था कल आज़ाद। तो कल तो फुल व्लॉग बनाऊंगा मैं एंड कल स्पीचेस भी होने वाली है, हमारे बिल्डिंग में भी होगी। एंड मेरा कल कॉलेज है तो कॉलेज के अंदर बुलाया गया है, वही क्या बोलिए। तो कोई नहीं, कल कॉलेज में भी जाएंगे, अगर हुआ तो वहाँ का भी व्लॉग हो सका तो रिकॉर्ड करेंगे। ये देखो गाइस, ये हमारे यहाँ सो रहा है, कितना क्यूट लग रहा है। ये ज़्यादातर हमारे यहाँ पे ही सोता रहता है ना, इसको बस मैं सर पे टच करता हूँ। यार कोई नहीं आ रही है तो भाग गई, एंड यहाँ से तो डेली ट्रेन ही जाती रहती है। एंड हमने लगा दिया हमारी ऑटो के ऊपर झंडा, यार एक और ट्रेन, शिट। यार गाइस यहाँ पे एक ही सीन रहता है, हर 2 मिनट में ट्रेन। ओ भाई क्या हवाएं चल रही है भाई, ओए होए होए, अबे फ्लैग दो गए यार, क्या मस्त लहरा रहा है। अब सही है मौसम, देखोगे तो सिर्फ हल्का सा धूप का दिख रहा है एंड ये साइड से सिर्फ हल्का सा साफ है अब, क्योंकि अभी जाना है हम लोग को विरार साइड। सो बारिश वारिश ना हो जाए यार, परेशान कर देगी ना बारिश यार। लेकिन कितना मस्त लग रहा है यार, ये शीट हवा ने भी ना पूरा बिगाड़ दिया। हाँ अब सही है, कहाँ चाहिए। अरे सिंगर अंकल आ गए, इन अंकल की मैंने एक बार वीडियो डाली थी, अल्पेश वही सिंगर अंकल आए, सिंगर बैलून से गाना बजाते ना। अरे अरे मैंने इनकी एक शॉर्ट वीडियो डाली थी अंकल की। सब यार हम लोग है, दिल नहीं रूठा है। मोटा मोटा है, मोटा मोटा ये अंकल की मैंने एक बार पहले भी वीडियो डाली थी, शॉर्ट्स वीडियो, उसमें ये अंकल ने गाना गाया था, खुशी का साया है खिलौना, हाथ 15 अगस्त वाला आया। आहा हाय, बच्चा मचल जाए खिलौना ले लो बच्चे। हाय हाय हाय, यार बहुत डर रही है ये तो बलून से। सो गाइस आप मेरे चैनल पे जाके शॉर्ट्स में देखोगे तो मैंने इन अंकल की एक वीडियो शॉर्ट्स पे डाली है, आज मजा आ गया यार। मस्त मस्त अच्छी अच्छी जो है, ये लोग अंकल जो है ये शायरियां मारते थोड़ी थोड़ी एंड मस्त लगता है, एकदम पहेली बना देते जगह पे। सो गाइस अभी एक सीन हो गया, वो जो हम लोगों ने बलून लिया था, मैं कर रहा था अंदर काम एंड ये जो मोटू बैठा हुआ दिख रहा है ना ये आपको, इसने क्या किया, बाहर लाया बलून एंड अचानक से एकदम तेज़ हवा चली। अब मैंने जैसे बताया अभी अचानक से चल रही हवा, तो अचानक से एकदम हवा का तेज़ झोंकाया एंड इसने हवा में ऐसे करके रखा था एंड वो छूट गया। अब यहाँ कहीं पर भी नहीं गिरा, वो यहाँ कहीं पर भी नहीं गिरा हुआ दिख रहा है, वो कहाँ उड़ गया पता नहीं, हवा के जरिए वो ऐसे धीरे धीरे करके उड़ गया। खैर जहाँ तक मेरा इरादा है कि किसी ने उसको उठा ही लिया होगा, क्योंकि फूटेगा कैसे, फूट भी सकता है पर यहीं आसपास में ही गिरा है ना, तो कोई उठा लिया होगा उसको। खैर गाइस जैसा मैं बता रहा था, बारिश का मौसम जो है वो हो ही चुका है, दिख रहा होगा आपको बारिश का मौसम। एंड आई थिंक हम लोग जब ट्रेन में रहेंगे ना तो शायद तक बारिश पड़ सकती है। एंड गाइस एक और बात, मुझे जो है काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि भाई आपको जो है, अरे बाइक पे बैठ रहा था मैं गिर गया, तो आपको जो है माइक मिला है एंड आप माइक से व्लॉग नहीं ले रहे, तो भाई मैंने आप सभी को कहा था कि मैं अभी पहले स्टैंड लूँगा एंड ये भी कहा कि स्टैंड तो ले लो भाई, स्टैंड भी नहीं ले रहे हो, तो बस गाइस इंशाल्लाह लूँगा मैं स्टैंड। फिर यार मैं जैसा बता रहा हूँ ना, मेरे पास टाइम नहीं है,
टाइम में देखो आज मैंने टाइम निकाल के व्लॉग बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे आज लगा कि थोड़ा शायद बनाना सही रहेगा, क्योंकि काफ़ी दिनों से व्लॉग भी नहीं आ रहा, तो मैंने बोला कि आज थोड़ा सा बना लेते हैं। तो सुगा इस पापा बोल रहे हैं पापा ही हम लोग को छोड़ देंगे स्टेशन, तो पापा भी आ रहे हैं एंड मैं लेंगे निकल रहा हूँ एक्टिवा बिल्डिंग तक। बिल्डिंग में मैं छोड़ूंगा एंड बिल्डिंग से फिर मेरे को पापा लेके सीधा जाएंगे स्टेशन। मैं जा रहा हूँ, अल्फे जा रहे हैं, डुबेदम तीनों भाई जा रहे हैं। निकल चुके हैं तीनों भाई। बारिश जो है गाइस लग चुकी है, हो रही है धीरे धीरे। तो गाइस सामान लेके आ गए, यहाँ रख दिया है, थोड़ा सा सामान लेके जाना था हमको। हाँ, यहीं पे आ रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 है। यहाँ पे इंडिकेटर लगा है 2:20 की एंड अभी जो टाइम हो रहा है 2:05 हो रहे हैं। क्या यार। तो गाइस ये जो थी फास्ट लोकल थी जो निकल चुकी है, इसके बाद आएगी हमारी स्लो। सो गाइस ये वाले ट्रैक पे ना गांव की बहुत सारी ट्रेन आ रही है, आई मीन गांव जाने वाली। खैर सो फाइनली ट्रेन में चढ़ गए। सो बस गाइस फाइनली अब आ चुके हम लोग घर पर। खैर इतना थक गया ना गाइस, सच्ची में ट्रेन का सफ़र ना यार बहुत ही ज़्यादा, यार बहुत ही ज़्यादा बेकार है। लिटरली इतनी ज़्यादा, दोपहर का टाइम था एंड दोपहर के टाइम पे भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना यार, मैंने कसम से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा भीड़ होगी। तो गाइस हम तीनों भाई गए थे, सुबह नाश्ता किया था, सुबह से हम लोग कुछ नहीं खाए, सिर्फ अब सीधा जाके खाना खाएंगे। एंड खाने में क्या है, आई थिंक मसूर बनी है, अक्खी मसूर, वाओ मेरी फेवरेट। फ्रिज में थोड़ी थाक भी निकली जाए, अरे वाओ मम्मी वाली मिठाई, मम्मी ने गाइस ये मिठाई बनाई थी जो फ्रिज बंद चालू करने पे पिघल गई थोड़ी सी, बट जिसने नहीं देखी कलाकंद बर्फी की वीडियो मम्मी के चैनल पे आ चुकी है, ज़रूर जाके देखना, बहुत टेस्टी बनाई है। तो बस गाइस मस्त खा पी के हो गया खाना एंड खाने के बाद वही कलाकंद बर्फी खा रहे हैं। खैर गाइस एक जन का कुछ ऑर्डर है जो मुझे अभी जस्ट देने जाना है, तो चलते हैं। पर अब मैं लेके तो जा रहा हूँ बाइक, अब ये नहीं मालूम कि माल बाइक पे आएगा क्या नहीं, कुछ आइडिया नहीं है, चल के देखते हैं नीचे। गाइस पापा ने ये सही किए थे, इस थैले में डाल दिए थे सामान, ये रही हमारी बाइक। और गाइस पता है कुछ लोग तो मुझे ये भी बोल रहे थे, पर मैंने अब तक बताया नहीं कि भाई तूने बाइक पे जो पैसे वगैरह लगाया लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ बाइक पे पैसे वगैरह लगाने का। तो खैर मैं ये बोलता हूँ कि सच में भाई इतना मेरा कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, बिकॉज मेन जो काम था ना, जो बाइक को लुक देती थी अच्छा, वो काम था ये वगैरह एंड और जो सामान है वो सब। तो अगर ये सामान सब मैं चेंज कराऊँ तो ही गाइस अच्छा लुक आएगा, वरना तो कोई फ़ायदा नहीं है गाड़ी के अंदर कुछ भी पैसा लगाने का। सो गाइस मैंने बाइक में एक चीज़ लाइट करवाया था, वो शायद आप सभी ने देखा नहीं है, तो वो ब्लिंक लाइट तो देख ली एंड उसी के साथ मैंने इसमें लगाई है ये ब्लू कलर की जो लाइट है, बहुत ही ज़्यादा औसम दिख रही है यार। रात के टाइम पे मैं आप सभी को दिखाऊंगा, बताना आप सभी को कैसी लगी। एंड ये पुलिस लाइट भी बहुत सही लग रही है एंड बस ये गाइस मैं कुछ दिनों में निकाल दूंगा अभी। सो गाइस जहाँ का डिलीवर था माल कर दिया एंड अब खड़े हम लोग पेट्रोल पंप पे, बस फटाफट पेट्रोल भरवा के निकलते हैं। तो गाइस ये लगा लिया, बहुत ही सही लग रहा है, बस इसके अंदर अब फ्लैग और लगाने रह गए, जो हम लोग जहाँ मिलेगा अभी लेता हूँ मैं कहीं से जुगाड़ करके, खैर मेरे को मालूम नहीं है कहाँ मिलेगा। सो बस गाइस अभी हम लोग आए सीधा सीधा अली स्टेशनरी पे, बिकॉज यहीं पे एक चीज़ है जो सारा सामान यहाँ मिल जाएगा, तो सबसे पहले हम लोग इसके लिए फ्लैग ले रहे हैं। सो गाइस मेरे लिए तो अली ही बेस्ट है क्योंकि यहीं पे सब सामान मिल जाता है, तो मिल गए एक यहाँ और एक यहाँ। तो बस नहीं अब निकलते फटाफट शॉप, बिकॉज काफ़ी लेट हो चुके हैं, पापा चिल्लाएंगे, तो फटाफट पहले शॉप चलते हैं। सो बस गाइस अभी है शॉप पर एंड ये जो है मैंने झंडा अच्छे से लगा दिया है, देखो कितनी मस्त तरीके से लहरा रहे, दोनों साइड पर लगा दिया, ये साइड पर भी वो साइड पर भी। सो गाइस अल्फेज ने भी अपनी साइकिलों पे लगा दिए ये दोनों। अबे अल्फेज तेरे को यहाँ यहाँ लगाना चाहिए था, ए यहाँ यहाँ लगाता ना तो थोड़ा बेस्ट रहता ना, एक साइड में घंटी आ रही है। कोई नहीं चलो, अपना गाड़ी का तो अपना, मैंने ये जो स्विच था मैंने इसको नीचे ले लिया जो यहाँ पे था एंड यहाँ पे मैंने एक ये एक यहाँ पे लगा दिया। ए बेवड़े अरे भाई अभी। सो खैर गाइस बाइक तो गंदी हो रही है। सो गाइस आप लोग ने एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ जो मेरा किंग का था वो मैंने निकाल दिया, क्योंकि इसके ऊपर मैं सोचा था मैट ब्लैक जो है टंकी के साथ साथ इस पर भी चढ़ाऊँगा, बट अभी मैं कुछ भी नहीं चढ़ा रहा हूँ,
क्योंकि आराम से बारिश के बाद हम लोग कराएंगे। तो खैर कैसे भी चुका रात का टाइम, एंड में आया था एक जगह, एंड में बहुत बिजी था तो सीधा ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। एंड आप लोगों को मुझे रात को बाइक दिखानी थी। सो कैसे भी जो है, मैं आप लोगों को रात का सीन दिखा देता हूँ मेरी प्यारी सी बाइक का। सो ये रही हमारी बाइक। सो गाइस रात का टाइम पे इसकी लाइट देख सकते हो, क्या ही ओपी दिख रही है भाई, एकदम अलग ही लुक आ रही, पुलिस वाली लाइट सी यार और ज़्यादा। सो गाइस यहाँ पे एक और शूटिंग की बस आ गई, आई मीन इसके पहले गई थी, मैं रिकॉर्ड नहीं किया। यहाँ तो ऐसी अपना यार मुंबई में इधर से उधर शूटिंग की बस तो बहुत देखते हैं यार। कोई नहीं, अभी सीधा हाईवे पकड़ के जाना है। एक और अच्छी बात ये है कि आज मैं लेके आया हूँ अपना हेलमेट, तो थोड़ा मोटा व्लॉग करते हुए चलते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि व्लॉग शायद लंबा है तो मैं कर लूँगा, जैसे तैसे करके शॉर्ट करेंगे, तो आज मोटो व्लॉग भी कर लेते हैं। खैर का सभी लगा लिया है हेलमेट, सो अब निकलते हैं। खैर यार मेरे को एक चीज़ का डर लग रहा है, बिकॉज मेरा माउंट जो है वो थोड़ा सा ढीला सा हो रहा है, तो कहीं कुछ हादसा ना हो जाए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, पढ़ते हैं एंड निकलते हैं। खाना पीना खाते भी हो चुका है, तो खैर मैं व्लॉग भी एंड करता हूँ। आई होप आप सबको पसंद आएगा। खैर आ गए सही सलाह मिल गया, बट तो उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आएगा जो भी नॉर्मल सा व्लॉग था। एंड कल तो काफ़ी मज़ा आने वाला है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा कल का। कल 15 अगस्त है तो बहुत मज़ा आएगा। मैंने प्लान कैंसिल कर दिया, हम लोग कॉलेज नहीं जाएंगे। तो खैर मिलते जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, कल के व्लॉग का थोड़ा वेट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू ऑल।